मित्रों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय किसानों से संबंधित माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय वित्त मंत्री जी के कृपा से मंत्रिमंडल ने मंजूर किया है, जो किसानों के बिजली बिल पर 100% छूट देने से संबंधित है। आप सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के दरमियान माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे सभी नेतृत्व ने इस बात की घोषणा किया था कि किसानों को 100% उनके निजी नलकूप के बिलों पर छूट दी जाएगी। उसी घोषणा के अनुरूप आज ये मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया है 100% छूट का। आपको कुछ मैं डिटेल इसके दे दूं तो राज्य में ग्रामीण नलकूप लगभग 14,73,000 हैं और शहरी नलकूप 5,188 हैं। दोनों ही प्रकार के नलकूपों पे, क्योंकि कई बार ग्रामीण क्षेत्र जो है वो शहर बन जाता है, नगर पंचायत बन जाता है। अभी कुछ ही दिन पहले हमारे ही कार्यकाल में लगभग 200 ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत हमने बनाया, तो इस बार हमने शहरी और ग्रामीण का फर्क मर्ज कर दिया, खत्म कर दिया है। नलकूप को एक नलकूप के तरह हमने ट्रीट करने का निर्णय लिया है। ये इस आज के निर्णय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंश है। इन 14,78,000 कुल जो नलकूप होते हैं, 1473 ग्रामीण और 5188 शहरी, इस प्रकार कुल 1478 हैं। और आप सबको ये भी मालूम है कि मेरे पास खुद ट्यूबवेल है, इसलिए मैं कह रहा हूँ अपने अनुभव से, बचपन से मैं देख रहा हूँ ट्यूबवेल की। एक ट्यूबवेल पर लगभग 4 से 5, 6, 7, 8 किसान भी उसकी सहभागिता में उससे लाभान्वित होते हैं, 10 तक लाभान्वित होते हैं जिसका खेत और नाली हो जाता है। तो इस प्रकार लगभग 1.5 करोड़ किसानों को ये इस घोषणा से फायदा होने वाला है। और उनके 1.5 करोड़ किसानों की अगर 5 के हिसाब से अगर आप देखें तो लगभग 6-7 करोड़ लोगों को, 5 परिवारों को अगर 5 गुना किया जाए तो 6-7 करोड़ लोगों को, ये किसान लोगों को फायदा होने वाला है। आज के प्रस्ताव में ये था कि 100% जो है उनको, किसानों को छूट दिया जाएगा। किसानों को 1/4/2023 से कोई भी बिल अब देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। उनको उनको पूरी तरह से मुक्त किया, छूट दी गई है। जो उसके पहले का अगर कोई बकाया है तो उसके लिए हम लोग एक ब्याज रहित योजना लेकर के आएंगे और उसका भी क्रियान्वयन अगले आने वाले दिनों में किया जाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक घोषणा है। 2022-23 में, 23-24 में, मतलब ये वर्तमान वित्तीय वर्ष जो पूरा हो रहा है उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय वित्त मंत्री जी ने 2400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है हमारे बिजली विभाग के लिए इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए। और उसी प्रकार 2024-25 के बजट में भी 1800 करोड़ रुपए का इस कार्य के लिए प्रावधानित किया गया है। तो हमारे पास धन भी है और सारी व्यवस्थाएं हैं। अब हम किसानों को, उनको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय वित्त मंत्री जी ने, माननीय मंत्रिमंडल ने हमारे इस प्रस्ताव को मंजूरी दिया है। दूसरा प्रस्ताव हमारा है, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। आप सबके संज्ञान में है कि पिछले साल 2023 में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी उसमें हमने NTPC के साथ दो बहुत बड़े करार किए थे, बहुत बड़े एग्रीमेंट किए थे। एक था ओबरा डी में, ओबरा में ही मतलब डी नाम की परियोजना कार्यान्वित करने के लिए 800 मेगावाट की 2 इकाइयां लगाने का। और उसके लिए हमने पिछले साल जुलाई में ही, लगभग 1 साल पहले, माननीय मंत्रिमंडल की मंजूरी लेकर के उसकी प्रक्रिया को हमने आगे बढ़ा दिया है, दिया गया है। और वो पावर प्लांट जो है 1600 मेगावाट का, वो बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उसी प्रकार एक दूसरा प्रस्ताव था कि अनपरा में भी हम 800 मेगावाट के 2 पावर प्लांट NTPC की सहायता से लगाएंगे। यह भी पिछले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हमने साइन किया था। आज मैं माननीय मंत्रिमंडल को, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने 50-50% की सहभागिता के साथ राज्य सरकार और NTPC के संयुक्त उद्यम में 800 मेगावाट की 2 इकाइयां अनपरा में लगाने का भी आज हमको मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली है।
इस प्रोजेक्ट की कुल कीमत 8,624 करोड़ रुपए बनती है और ये लगभग 50 महीनों में पहली यूनिट इसकी कार्यान्वित हो जाएगी और अगले 6 महीने में मतलब 56 महीने में इसकी दूसरी यूनिट कार्यान्वित हो जाएगी। 30% इसमें इक्विटी होगी जो राज्य सरकार और एनटीपीसी आपस में वहन करेंगे 50-50% के हिसाब से, और 70% हम परियोजना को ऋण लेकर के इसको हम कार्यान्वित करने वाले हैं। आप सबको मालूम है कि चूंकि कोयले की खदान जो एनसीएल है वहीं से हमको कोयला इससे मिलेगा, नज़दीक में खदान है, इसलिए ये बहुत ही सस्ती बिजली उत्तर प्रदेश के उपभोक्ताओं को मिलने का प्रबंध हो गया है। आपको ये भी बता दूं कि इसी प्रकार एनटीपीसी के तो आज के प्रस्ताव में तो इतना ही था, लेकिन आपकी जानकारी के लिए कि पिछले दिनों ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रगति हुई है। जवाहरपुर का हमारा 660 मेगावाट का प्लांट जो है वो कमीशन हो चुका है, ओबरा सी का 600 मेगावाट का प्लांट कमीशन हो चुका है, और साथ ही मेजा में भी एनटीपीसी के सहयोग से हम लोग 3 800 800 की 3 यूनिटें लगाने की दिशा में भी हमारी कार्रवाई आगे बढ़ रही है, उसकी भी औपचारिकताएँ जल्दी पूरी की जाएंगी। इस प्रकार उत्तर प्रदेश को हमारी बढ़ती हुई ऊर्जा की मांग को देखते हुए हम आत्मनिर्भर और सरप्लस बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा एक प्रस्ताव था हमारा जो नेवेली कॉर्पोरेशन है पावर का, उसमें उसके तहत घाटमपुर का जो हमारी 660 मेगावाट की 3 यूनिटें हैं सुपर क्रिटिकल, उनका कार्यान्वयन हो रहा है। उनको लोन लेने के लिए उनके पास जो ज़मीन है प्रोजेक्ट की उसको मॉर्गेज करने की आवश्यकता पड़ती है। उसमें कई बार ये ऐसा देखा गया है कि बहुत ज़्यादा स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फी लग जाती है, तो उसकी मुक्ति के लिए माफ़ी के लिए हम लोग माननीय मंत्रिमंडल के समक्ष आए थे। माननीय मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव को भी मंजूरी दिया है और उसमें 181 करोड़ रुपये का पंजीकरण शुल्क 121 करोड़ रुपये और स्टाम्प शुल्क 60 करोड़ रुपया, कुल मिलाकर के 181 करोड़ रुपए की मुक्ति देने का प्रस्ताव भी माननीय मंत्रिमंडल ने मंजूर किया है। एक अन्य बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा प्रस्ताव मंजूर हुआ है, वो है हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी, जो हम लोग काफ़ी दिनों से इस पर काम कर रहे थे। हमने काफ़ी इस पर स्टेक होल्डर कंसल्टेशन किया, कई राउंड इंडस्ट्री के साथ जो लोग जानकार हैं एक्सपर्ट हैं इसके, उन सभी के साथ हमने इस पर कंसल्टेशन किया और आज हमने इसकी मंजूरी माननीय मंत्रिमंडल ने हमें इसके लिए दिया है। आप सबके संज्ञान में है कि 2022-23 में भारत सरकार ने हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन की एक मिशन बनाया और कुछ गाइडलाइंस भी उन्होंने 2030 तक कैसे इसको हम अमल में लाएंगे उसके लिए उन्होंने प्रख्यापित किया, और उसी के और साथ में ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा है कि 2070 तक हमें नेट जीरो तक जाना है, मतलब कि जो कार्बन फ्यूल है और रिन्यूएबल जो फ्यूल है, जो स्वच्छ फ्यूल है, ग्रीन फ्यूल है, उसका दोनों का मिला करके बैलेंस हो जाना चाहिए, कहीं कोई ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हमारा जो कार्बन इमिशन है वो नेट जीरो हो जाना चाहिए। उस दिशा में आगे बढ़ते हुए हम लोग पिछले साल सोलर पॉलिसी ले आए, फिर बायो फ्यूल पॉलिसी ले आए और आज हम हाइड्रोजन पॉलिसी लेकर के आए हैं। आपको जानकारी है कि हाइड्रोजन का उपयोग एक ईंधन के रूप में बहुत बड़े जो हमारे खपत वाले जो कारखाने हैं, जैसे फर्टिलाइजर प्लांट्स हैं या पेट्रोकेमिकल प्लांट्स हैं, स्टील प्लांट्स हैं, इन सब में हाइड्रोजन की को एक फ्यूल के रूप में उपयोग किया जाता है। लेकिन अभी तक ये जो हाइड्रोजन पैदा करने की जो तकनीक थी वो ग्रे हाइड्रोजन कहा जाए उसको, कि वही बिजली या वही गैस के सहारे ये ग्रे हाइड्रोजन पैदा किया जाता था। अगर इसी बिजली को लगा करके हमें पैदा करना है तो स्वाभाविक है कि ये बिजली कहीं ना कहीं कोयले पे आधारित होकर के आती है, या इवन गैस पे भी, गैस से भी हम अगर हाइड्रोजन बनाने का काम करते हैं तो वो भी कोई क्लीन फ्यूल नहीं है, ग्रीन फ्यूल नहीं है। तो इस दिशा में ग्रे हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन में परिवर्तित करने के लिए एक बहुत बड़ा काम दुनिया में और देश में होना शुरू हुआ है। उसी दिशा में हम लोग ये नीति लेकर के आए हैं, ग्रीन हाइड्रोजन की पॉलिसी 2024 की, जिसमें हमने कहा है कि आने वाले
छः साल चार साल 2028 तक प्रति वर्ष 1 मिलियन मीट्रिक टन हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन पैदा करेंगे और उसके लिए हमने 5 वर्ष का लक्ष्य 5 वर्ष की समयावधि रखी है इस नीति की और इस समयावधि में जो उद्योग इस क्षेत्र में आएंगे उनको लगभग 5,045 करोड़ रुपए की धनराशि सब्सिडी के रूप में या अन्य राहतों के रूप में देने का भी माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रावधान करने की हम लोगों को इजाज़त दिया है। जैसा मैंने कहा कि 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष 2028 तक हम लोग इसमें पैदा करने का हमारा लक्ष्य है और ऐसे उद्योगों को हम 10% से 30% तक सब्सिडी उनके कैपिटल एक्सपेंडिचर पे हम देंगे और जो पहले 5 उद्योग आएंगे उनको हमने ये भी कहा है कि उनको हम 40% तक सब्सिडी देने की हम व्यवस्था कर रहे हैं। एनर्जी बैंकिंग का भी हम प्रावधान कर रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत बड़ी मात्रा में सोलर या ऐसी एनर्जी पैदा होगी तो उसको कई बार ऐसा होता है कि उनकी खपत दिन में नहीं है, रात में चाहिए, इस समय नहीं है, किसी और समय चाहिए, तो लोग हमारे ग्रिड में डाल देते हैं, उसको बैंकिंग कहते हैं और फिर जब उनको आवश्यकता होती है तो ग्रिड से वो ड्रा करते हैं वो एनर्जी। उसकी व्यवस्था भी हम लोग कर रहे हैं जो हमारे UPERC की गाइडलाइंस है। हमने इस पॉलिसी में ये कहा है कि समय समय पर हम उसके लिए अलग अलग गाइडलाइंस बनाते रहेंगे और इंडस्ट्री के साथ संपर्क में रह करके एनर्जी बैंकिंग के हम प्रावधान बनाते रहेंगे। उसी के साथ हमने ये भी कहा है कि जो इंट्रा स्टेट ट्रांसफ़र के जो चार्जेज लगते थे एनर्जी को ग्रिड में डाल करके या तो कहीं दूसरे स्टेट में अंदर स्टेट के अंदर हमें किसी को देना है, कैप्टिव उपयोग करना है या किसी को देना है, उसमें जो व्हीलिंग और ट्रांसमिशन चार्ज लगता है उस पर 100% की हम छूट देंगे, खास करके विक्रय और कैप्टिव दोनों ही तरह के उपयोग पर। बाहर भेजने अन्य राज्यों में भेजने पर या मंगाने पर एक बार जमा किया फिर दूसरी बार मंगाना अगर पड़ा तो उस पर भी हम 100% तक की इसमें व्हीलिंग और ट्रांसमिशन चार्जेज में हम छूट दे रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में भी 100% की छूट देने का प्रावधान किया गया है। जो कैप्टिव यूजर्स होंगे इसके उनको हम और भी प्राथमिकता के आधार पर उनको ट्रांसमिशन में भी हम उनको प्राथमिकता देंगे। सार्वजनिक उद्यम अगर है तो उसको 30 वर्ष की लीज पर 1 रुपया प्रति एकड़ प्रति वर्ष के हिसाब से मतलब एक तरह से मुफ्त में हम जमीन देने का भी प्रावधान कर रहे हैं। ये पूरी जो ऊर्जा पैदा होगी उसको रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन बोलते हैं RPO, उसमें भी इसको अनुमन्य किया जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र के बाहर अगर प्राइवेट निवेशक है तो उसको 15,000 रुपया प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से 30 वर्ष का पट्टा लेने का के लिए भी हमने व्यवस्था किया। इस प्रकार बहुत सारी छूट बहुत ही आकर्षक इस योजना को बनाते हुए हम लोग चाहते हैं कि आने वाले वर्षों में ग्रीन हाइड्रोजन की दिशा में भी आपकी जानकारी के लिए अभी कल जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने तेलंगाना से 200 मेगावाट के सोलर के उत्पादन का और 3 हमारी बड़े बड़े प्रोजेक्ट का शिलान्यास मतलब 200 मेगावाट का उद्घाटन और 3 बड़े बड़े लगभग 2000 मेगावाट के प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया तो हम सोलर में तो हम आगे बढ़ चुके हैं, एक रिवोल्यूशन आ चुकी है। इस पॉलिसी के तहत हाइड्रोजन में भी हम लोग एक रिवोल्यूशन की तरह उत्तर प्रदेश आगे बढ़े, इस दिशा में हम प्रयासरत हैं। एक और प्रस्ताव था जायका की सहायता से आगरा में गंगा जल पे आधारित पीने के पानी की एक परियोजना थी जिसको 2011-12 में हम लोगों ने मंजूर किया था जिसकी कीमत 2,887.92 करोड़ रुपया आकी गई थी और उस समय के हिसाब से जो टेक्नोलॉजी कई मीटर वगैरह जो है ऑटोमेटिक नहीं थे, घर घर जाकर के रीडिंग लेने का मैन पावर बढ़ने का कुछ आंकड़े थे जो, तो आपको जानकर खुशी होगी कि इसकी पुनरीक्षित जो कीमत है, रिवाइज जो कीमत, अब लगभग 90% काम इस योजना में पूरा भी हो चुका है लेकिन अब जो रिवाइज कास्ट आई है वो उस समय निर्धारित कास्ट से भी
लगभग 45 करोड़ रुपए कम आ रही है। तो चूंकि ये विदेशी लोन है इसलिए हमें इसको एक औपचारिक मंजूरी के लिए मंत्रिमंडल के समक्ष आना था। वैसे कीमत में कमी आई है, कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। एक अन्य बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव माननीय मंत्रिमंडल ने हमारा मंजूर किया है, वो है मातृभूमि अर्पण योजना। इसमें जो हमारे भाई बहन उत्तर प्रदेश के हों या देश के किसी भी कोने के हों, जो लोग विदेशों में रहते हैं वो लोग अपनी मातृभूमि में, अपने गांव गिराव में, अपने नगर में, शहर में कुछ न कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कोई फ्रेमवर्क उनको नहीं मिल पाता है कि कैसे स्कूल बनाना है, अस्पताल बनाना है, पार्क बगीचा बनाना है, खेलकूद का मैदान बनाना है। वो लोग चाहते हैं कि हम योगदान दें, लेकिन कोई फ्रेमवर्क नहीं होता है कि अगर वो पहल करेंगे तो उनको क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी। उसके लिए हमने ये एक योजना लेकर के हम आए हैं, और इसमें हम ये कह रहे हैं कि 40% के कोई भी काम वो चिन्हित करेंगे उसमें 40% धनराशि राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी, 60% उनको लगानी होगी, और इस प्रकार हम उसमें आगे बढ़ सकते हैं। इसमें अनेक प्रकार के कोई भी सामुदायिक या सामाजिक कार्य हो उसको किया जा सकता है। इंटर कॉलेज की कक्षाओं का निर्माण, क्लासरूम का निर्माण, सामुदायिक भवन, विवाह, मैरिज हॉल, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र जैसा मैंने कहा, पुस्तकालय, ऑडिटोरियम, खेलकूद स्टेडियम, सीसीटीवी कैमरे लगाने का, पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाने का, अंत्येष्टि स्थल के निर्माण या विकास का काम, जल उपचारण, जल वाटर सप्लाई का काम, तालाब का सौंदर्यीकरण, बस स्टैंड, पैसेंजर शेड, फायर सर्विस, सोलर एनर्जी से सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का, पशु का सुधार, नस्ल केंद्र वगैरह, उनकी चिकित्सा की व्यवस्था, इस तरह की तमाम जो ग्रामीण, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जो आवश्यक सेवाएं होती हैं, नगरीय सुविधाएं बढ़ाने के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए, दूध संग्रह के लिए, गरीबी उन्मूलन के अन्य कोई कार्य हों, पार्क मैंने बताया, पार्क के सौंदर्यीकरण विकास, ऐसे तमाम कामों में उनका सहयोग और सहभागिता ली जा सके, उसके लिए एक फ्रेमवर्क हम लोगों ने डेवलप किया है। और इसमें एक गवर्निंग काउंसिल होगी जिसके अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी होंगे, जो इस पूरे कार्यक्रम का दिशा निर्देशन करेगा, और बाकी उसके नीचे भी हमारे विभाग के स्तर पर भी, प्रमुख सचिव के स्तर पर भी हम लोगों ने कमेटी बनाने का व्यवस्था किया है। इससे मैं मानता हूँ कि देश के बाहर बसे हुए हमारे भाई बहनों को अपने स्थानीय क्षेत्रों के विकास में भागीदारी करने का एक बहुत ही सुंदर और बड़ा अवसर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। अब मैं अनुरोध करूँगा आदरणीय श्री सूर्य प्रताप शाही जी से कि वो कृषि तथा कृषि शिक्षा से संबंधित हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।